आज हम पढ़ रहे हैं श्रुति की जिंदगी के कुछ पन्ने। मुंबई जैसे शहर में कुछ लोगों के लिए एक हाउसवाइफ होना बहुत बोरिंग है, पर क्योंकि विरार से जाके अंधेरी, बांद्रा, बीकेसी या लोअर परेल में जॉब करना मुश्किल था, तो श्रुति ने तय किया कि आराम से बोर होना थक के परेशान होने से तो बेटर ही है। श्रुति, तुम कोई वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं भी वही सोच रही थी कि ऐसा कुछ ढूंढ लूं। हाँ, पर तुम्हें तो पता है ना, हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं चलता। 3G 4G तो छोड़ो, कॉल ही लग जाए तो किस्मत है। जैसे शादी से पहले तेरे औरंगाबाद में तो 10G की स्पीड आती थी। ये बात बात पे ना मेरे मायके को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ओह। अपनी मर्जी से हाँ कहा था अपने शादी के लिए, मेरी फैमिली ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। पटली, वो तेरी 36, 24, 36 की फिगर और कटरीना जैसा कॉम्प्लेशन देख कर मैं फिसल गया। मुझे क्या पता था कि... बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही नोक झोंक श्रुति और राजीव के बीच अक्सर होती, पर राजीव का मानना था जैसे ही श्रुति काम करना शुरू कर देगी, इन छोटी मोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना भी बंद हो जाएंगी। हाँ बोलो। आए है, थोड़ा प्यार से बात कर ली थी। पहले चिढ़ाओ, परेशान करो और फिर कहो प्यार से बात करने को। अच्छा बाबा, सॉरी, बस लिसन, मैंने घर पे वाईफाई लगाने के लिए बोल दिया है। सच्ची? हाँ बाबा, स्मार्ट ब्रॉडबैंड से एक बंदा आया था, उसको मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं, तुम पैसे मत देना। घर पे वाईफाई लगने से श्रुति काफी बिजी हो गई थी और राजीव की लाइफ आसान। श्रुति पहले तो बड़े इंटरेस्ट के साथ जॉब ढूंढती है, लेकिन फिर मेकअप और स्टाइलिंग के वीडियोस देख देख कर जॉब हंट छोड़ ही देती है। एक दिन जी वो हम सामने वाले घर में रहने आए, मैं अमन, ये शैलेश है और वो विनोद। हाय। हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, सोचा आपसे, मेरा मतलब है अपने पड़ोसी से मिल भी ले और पानी भी मांग ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, तुम तीनों चाय पियोगे? उस दिन चाय पीने के बाद तीनों लड़के आते जाते श्रुति को हाय हेलो करने लगे। इस बात को जब राजीव ने नोटिस किया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अपनी आवाज नीचे रख, चिल्ला चिल्ला के सबको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी लड़ाई हो रही है। मुझे छोटी शहर की लड़की कहते हो, कभी ये देखा है कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है? चुप, एक लफ्ज और नहीं। वो शाम दोनों की गुस्से में कटी। श्रुति राजीव से नाराज थी और राजीव खुद से। अगले दिन अपना गिल्ट कम करने के लिए राजीव श्रुति को शॉपिंग ले जाने का प्लान बनाता है। मैं नहीं आऊंगी। सॉरी ना यार। अच्छा सुन, तुम मेरे ऑफिस के पास वाले जो मॉल है ना, वहाँ आ जा, शॉपिंग करके डिनर वहीं कर लेंगे। फाइनली शॉपिंग के नाम से श्रुति मान गई और तैयार होकर राजीव के ऑफिस जा रही थी, तब उसे बस स्टॉप पे शैलेश मिला। अरे आप यहाँ अकेले बस स्टॉप पे? हाँ, वो मैं अंधेरी जा रही हूँ राजीव के ऑफिस। ये तो सही है, मैं भी अंधेरी ही जा रहा हूँ, कहो तो आपको ड्रॉप कर दूँ। वो श्रुति को राजीव के ऑफिस भी ड्रॉप करता है और दोनों उस दिन से बहुत बातें करने लगते हैं। एक दिन, श्रुति तुम इतनी स्मार्ट हो, टैलेंटेड भी हो, तो फिर इस बोरिंग राजीव के साथ क्या कर रही हो? यार, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। ओ। मुझे लगता था लड़का मुंबई का है, अकेला रहता है, हम साथ साथ में खूब एंजॉय करेंगे, पर यू नो, हमारी बिल्कुल बनती ही नहीं। एक बार तो बात बात में उसने मुझ पे हाथ भी उठाया। सीरियसली, व्हाट नॉनसेंस यार। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक पिंजरे में फंस गई हूँ। अरे अरे यार श्रुति, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। क्या कर रहे हो श्रुति? राजीव। राजीव नहीं, शैलेश हूँ, आओ तुम्हें दोनों में फर्क दिखाता हूँ। उस दिन के बाद ये सिलसिला अक्सर चलने लगा, जहाँ एक तरफ राजीव को श्रुति का शैलेश और उसके दोस्तों से बात तक करना अच्छा नहीं लगता था, वहां उसे श्रुति के शैलेश के साथ चल रहे अफेयर की खबर तक नहीं लगी। एक दिन श्रुति के घर पे, यू नो, कल हम दोनों फिर लड़ रहे थे। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस राजीव को छोड़ क्यों नहीं देती?
ऐसे कैसे छोड़ दूँ यार? अकेले तो नहीं रह सकती ना इतने बड़े शहर में। देखो श्रुति, भगवान भी ना उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करते हो। पर पहले तो तुमने कुछ और ही कहा था, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अच्छा, है हिम्मत, है तुम में इतनी हिम्मत कि तुम अपने पति को छोड़ के मेरे साथ चलो? कभी सोचा है उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी फैमिली तुमसे बात भी नहीं करेगी। चलेगा तुम्हें? चलेगा तुम्हें, चलेगा तुम्हें, चलेगा तुम्हें। चलिए जानते हैं श्रुति से कि उसने क्या रास्ता चुना। हेलो, तो बताओ श्रुति, क्या किया तुमने? ऋचा, वो फैसला मेरे हाथों से निकल गया था। निकल गया मतलब? जितना जल्दी मैं शैलेश के करीब आई थी उतना ही जल्दी वो मुझे छोड़ के चला गया। और ये सब हुआ कैसे, मतलब क्या रीजन था इसका? जिस दिन उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं राजीव को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा हाँ। okay. और मेरा जवाब सुनने के बाद शैलेश मुझसे कुछ दूर दूर सा रहना लग गया। जब उसने मुझसे मिलना बिल्कुल बंद कर दिया तो मैंने अमान और विनोद से उसके बारे में पूछा। तब पता चला कि शैलेश ने घर और अपना फोन दोनों ही बदल दिया था। ना ही मैं कोई सीन क्रिएट कर पाई, ना ही मुझे कोई क्लोजर मिला। ओके, क्या राजीव को इस बारे में कभी पता चला? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने शैलेश को ज्यादा ढूंढने की कोशिश तक नहीं की ताकि राजीव से सब कुछ छुपा रहे। कुछ रिश्ते बनते ही इसलिए हैं ताकि हम उनसे सबक सीखें। श्रुति और शैलेश की कहानी में आज कुछ ऐसा ही था। अगर आपकी भी कोई प्राइवेट डिटेल्स हैं जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक के पेज पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। पेज है आरजे रिचा, आरजे आर एच आई सी एच ए।